गरीब की जादुई किताब। एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय के माता पिता बहुत गरीब थे। दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। गांव के दूसरे बच्चों को देखकर अजय अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी इनके जैसे कपड़े और खिलौने चाहिए, परंतु उनके माता पिता के पास सिवाय उसको दिलासा देने के और कुछ नहीं था। अजय गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाता था। अजय अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अधिक नंबर लाता था। उसके अधिक नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में उसको खूब इनाम मिलता। गाँव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गाँव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में अजय का स्कूल बह जाता है। अजय के गांव में वही एक स्कूल था। अब अजय अपनी शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। गांव से दूर एक स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी, इसीलिए अजय का वहां एडमिशन नहीं हो सका। परंतु अजय के पिता उसको खूब पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए अजय के पिता ने अपने सारे खेत बेचकर अजय का एडमिशन उस महंगे स्कूल में करवा दिया। अजय अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल चुका था, इसीलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। अजय रोता हुआ घर आता है और अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, फेल पास लगा रहता है, अगली बार पास हो जाना। लेकिन अजय दोबारा भी फेल हो जाता है और अजय के पिता यह खबर सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम कक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। पापा, अगर आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? तुमको जहाँ भी जाना है चले जाना, मगर लौट कर वापस घर नहीं आना। अजय के दोबारा फेल होने की खबर पूरे गाँव में फैल जाती है और गाँव के बूढ़े बच्चे सभी अजय का खूब मजाक उड़ाते हैं, खूब ताना देते हैं। वे अजय को फेलियर कहकर चिढ़ाते हैं। अजय का इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वह रोता हुआ वहां से चला जाता है। अजय इस बार खूब मेहनत करता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है, मगर वह तीसरी बार भी फेल हो जाता है। अजय ने सोचा कि अगर वह घर जाएगा तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको घर पर बहुत मार पड़ेगी। मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाएगा। यह सब सोचकर अजय घर नहीं जाता, बल्कि कहीं और चला जाता है। अजय के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो स्कूल में अजय नहीं मिला। फिर अजय के पिता और गांव वालों ने अजय को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वह फिर भी नहीं मिला। शायद अजय इस बार भी फेल हो गया है, इसीलिए भाग गया। जब वो नहीं पढ़ पा रहा था तो उसको खेती बाड़ी कराना चाहिए था। हाँ, शायद आप लोग ठीक कहते हो। अजय गांव से बहुत दूर जा चुका था। अजय को खुद भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते उसको एक झोपड़ी दिखी। अजय उस झोपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अजीबोगरीब व्यक्ति निकला और अजय को घर के अंदर बुलाया। अजय ने उस व्यक्ति को सारी बातें बताई। उस व्यक्ति ने अजय को कुछ बिस्किट दिए और बिस्किट खाकर वह सो गया। जब वह सुबह उस व्यक्ति के घर से जाने लगा तो उसने अजय को एक जादुई किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी मदद करेगी। अजय ने किताब लिया और उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर चला गया। अजय ने सोचा, अब मैं घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, मगर वह अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था, इसीलिए वह चलते चलते शहर आ गया। अजय को शहर में एक स्कूल दिखाई पड़ा। अजय स्कूल के अंदर गया और वहाँ के टीचर से कहा, मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। अपना रिजल्ट दिखाओ। अजय रिजल्ट दिखाता है। रिजल्ट देखकर वहाँ के टीचर ने अजय से कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब है, तुमको यहाँ कैसे एडमिशन दिया जाए? सर, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दीजिए। अजय की यह बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर अजय वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा
कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर मैं टेस्ट कैसे पास करूँगा। फिर उसने सोचा क्यों ना कुछ पढ़ ही लिया जाए। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उस व्यक्ति ने उसको दिया था। अजय ने वह किताब खोली तो उस किताब से एक आवाज आई, अजय मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। यह देखकर अजय हैरान रह गया कि किताब से आवाज कैसे आ रही है। अजय ने किताब से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई किताब हूँ। तुम मुझे कैसे जानती हो? जिसने तुमको ये किताब दिया है वो मेरे मालिक है और मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मुझसे तुम जो सवाल पूछोगे मैं उसका उत्तर तुम्हें बता दूंगी। ए जादुई किताब, मुझे बताओ कि कल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। किताब ने अजय को वो सब बता दिया जो टेस्ट में अजय से पूछा जाने वाला था। तो अजय रात भर वही याद करता रहा। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद अजय ने वो सब याद कर लिया और टेस्ट देकर पास हो गया। इस तरह अजय को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अजय उसी स्कूल में हॉस्टल में रहने लगा। जब भी उसकी परीक्षा आती वह जादुई किताब से सारे प्रश्न के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देती। अजय उन सारे उत्तरों को बहुत ध्यान से पढ़ता और कई दिनों के परिश्रम के बाद वह सब कुछ याद कर लेता। इस तरह वह परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अव्वल नंबर से पास हो जाता और उसे क्लास में अव्वल आने के कारण बहुत सारे इनाम भी मिलते। धीरे धीरे पास होते होते वह लॉ कॉलेज में पहुँच गया। लॉ कॉलेज में भी अव्वल नंबर से पास होकर वह बड़ा जज बन जाता है। अजय के जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग उसी के गांव की कचहरी में हो जाती है और सरकार की तरफ से उसे बड़ा सा बंगला मिलता है। उधर गांव में अजय के पिता को खून के झूठे इल्जाम में जेल हो चुकी होती है और एक दिन अजय के पिता की कचहरी में पेशी होती है। उस दिन अजय का कोर्ट में पहला दिन रहता है। अजय के पिता को बुलाया जाता है। अजय अपने पिता को देखकर पहचान लेता है और उसकी आँखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अजय का पिता अजय को नहीं पहचान पाता। मुकदमा शुरू होता है और अजय के पिता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए अजय अपने पिता को बाइज्जत बरी कर देता है। एक दिन के बाद अजय जज के कपड़ों में अपने घर जाता है। अजय के पिता और सारे गांव वाले उसको देखकर खड़े हो जाते हैं, परंतु कोई भी अजय को पहचान नहीं पाता। जज साहब, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे बुलवा लेते। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? अजय के पिता और गांव वाले कहते हैं, नहीं, आप कौन हैं? फिर अजय सबको अपनी कहानी सुनाता है। अजय की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और पिता रोते हुए अपने बेटे अजय को गले लगा लेता है। अजय अपने परिवार के साथ अपने बंगले में जाकर खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई साबुन, रामलाल और सुधा अब बूढ़े हो चले थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने जो भी कमाया सब अपने दोनों बेटों के परवरिश में लगा दिया। अब उनके बुढ़ापे का सहारा उनके दो बेटे ही थे, लेकिन दोनों बेटे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। क्या माँ रोज ये सूखी रोटी बना देती हो? मुझे नहीं खाना है। सूखी रोटी मेरे गले में फंस जाती है। बेटा, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही, अब मुझसे काम नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वो तुम दोनों के परवरिश में लगा दिया है। दो दो जवान बेटे घर पर हैं, फिर भी बाप को काम करना पड़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम लोग कुछ काम तो कर लो। अब हमसे खेती तो होने से रही, हम शहर जाकर कुछ नौकरी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी आप दोनों के पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मुझे और तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? वो सब आप लोग देख लीजिए। अगले दिन रोहित और राज घर से बचा हुआ सारा पैसा लेकर शहर चले जाते हैं। रामलाल और सुधा घर में अकेले रह जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टाइम का खाना होता है। सुनिए, घर में बस एक टाइम का चावल बचा है। आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ला दीजिए, हम लोग नमक और चावल खा लेंगे। हे भगवान, बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। रामलाल जंगल जाकर अपने कांपते हाथों से लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होने के वजह से उसे लकड़ी काटने में
बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी रामलाल को किसी जानवर के बच्चे की चिल्लाने का आवाज आई। अरे यह किसी जानवर के बच्चे की आवाज लगती है, ऐसा मालूम होता है वो किसी तकलीफ में है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। रामलाल इधर उधर घूमकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक लोमड़ी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। वो बच्चा गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रामलाल उस बच्चे को उस गड्ढे से निकालने में मदद करता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा बच्चा है, ये खेलते वक्त इस गड्ढे में गिर गया था, आपने इसकी जान बचाई है, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तो किसी और से क्या मदद लेना। मैं आपको एक जादुई साबुन दे रही हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए। इतना बोलकर लोमड़ी साबुन वहीं रख कर चली जाती है। रामलाल वो साबुन अपनी जेब में रख लेता है और आसपास पड़ी लकड़ी लेकर घर चला जाता है। अरे ये क्या, आपके कपड़े में मिट्टी कैसे लग गई? एक लोमड़ी के बच्चे को बचाने में गंदे हो गए। हमारे पास खाने के तो पैसे है नहीं, अब आपके कपड़े कैसे धोऊं? ये लो साबुन, इससे धो देना। ये साबुन तो बहुत बड़ा है, मैं इसके 4 टुकड़े कर देती हूँ, बाद में काम आएगा। सुधा साबुन का 4 टुकड़े करके एक टुकड़े से रामलाल के कपड़े साफ कर देती है। और अगले दिन जैसे ही वो उस साबुन को देखती है वो बोलती है, अरे ये देखिए, मैंने कल इस साबुन के 4 टुकड़े करे थे लेकिन अब तो ये फिर से उतना ही बढ़ गया। अरे ये साबुन मुझे जादुई लोमड़ी ने दिया था, लगता है ये कोई जादुई साबुन है। क्यों ना हम इस जादुई साबुन का व्यापार कर ले, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा बुढ़ापा भी कट जाएगा। रामलाल और सुधा जादुई साबुन के टुकड़े कर उसे बेचने लगते हैं, उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। यह बात राज और रोहित को पता चलती है, ये सुनकर दोनों गांव वापस आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अब यही रहकर आप दोनों की सेवा करेंगे और काम में हाथ बटाएंगे। अरे मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। रोहित और राज को जादुई साबुन के बारे में पता चल जाता है, दोनों के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना हम ये सारे जादुई साबुन चोरी कर ले और शहर जाकर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। हाँ आज रात ही हम लोग यहाँ से साबुन लेकर शहर चले जाएंगे। दोनों रात में सारा सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह जब रामलाल और सुधा उठते हैं और सारा सामान समेत राज और रोहित को गायब देखते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर रोना आ जाता है। इधर रोहित और राज शहर पहुंचते ही उनका सारा साबुन और सामान गायब हो जाता है। अरे हमने जादुई साबुन चोरी किया, इसीलिए हमारा सारा सामान गायब हो गया, हमें गांव जाकर माफी मांगनी चाहिए। राज और रोहित वापस गांव जाकर रामलाल और सुधा से माफी मांग लेते हैं और फिर कभी ऐसे गलती नहीं करने का कसम खाते हैं। रामलाल दोनों को माफ कर देता है, माफ करते ही गायब हुआ सारा सामान वापस आ जाता है। मंगलू की प्यास। बात बहुत पुरानी है, मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था, चलते चलते थक गया था, प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी, नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा।
तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है, चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कट में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।